सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सोशल इंजीनियरिंग अटैक को दोबारा से कवर करेंगे, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग में काफ़ी पॉइंट्स हम लोगों के अभी रह गए हैं। और इससे फर्स्ट वाली वीडियो आपने देखा होगा, तो सोशल इंजीनियरिंग को बेसिक लेवल पर मैंने काफ़ी डिटेल में 20 मिनट का टाइम लेकर एक्सप्लेन किया। हमारे चैनल पर आप विजिट करेंगे, साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी का ये जो सीरीज चल रहा है, आज आप लोगों को 2-3 वीडियो मिलने वाला है, डोंट वरी इस पे। तो यहाँ पे मैंने सोशल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है वो 8 दिन पहले कवर किया हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने वाटरिंग होल अटैक वगैरह देखा। तो जो सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, इतना पॉपुलर अटैक है जो कि इंसानों के दिमाग के साथ खेलकर इस अटैक को परफॉर्म करता है हैकर अटैकर। तो क्यों ना इसको काफ़ी डिटेल में कुछ पॉइंट्स जो हमारे हैं इसको कवर करें, है ना। नया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, राइट। तो बात करते हैं यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग। ओके, तो देखो, एक सिंपल टर्म में अगर हम लोग सोशल इंजीनियरिंग को समझें, तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हैकर अटैकर या कोई भी पर्सन जब किसी पर्सन को टारगेट करता है तो उसके दिमाग के साथ खेलता है और किसी न किसी तरीके से ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल करता है जिससे वो सामने वाला पर्सन उससे सारी इंफॉर्मेशन दे दे। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, ट्रस्ट वर्दी बताकर ऐसा हैकर अटैकर करता है, कभी कोई सेलिब्रिटी या कोई ऐसा उसका एम्प्लॉय बताकर कर दे, या मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये होता है। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि बैंक एम्प्लॉयज बनकर कोई काम कर्मचारी कॉल करता है आपको, कभी पैसे रिफंड करने के लिए, कभी लॉटरी को लेकर, है ना, कभी रिचार्ज कूपन ऑफर को लेकर, कभी बिग बिलियन सेल को लेकर। बहुत सारे ऐसे अटैक किए जाते हैं जिसमें लोगों की इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकाल लिया जाता है। इसमें कुछ ऐसे पॉपुलर अटैक की अगर हम लोग बात करें तो है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखें, या फर्स्ट पॉइंट, इवर्स ड्रॉपिंग। इवर्स ड्रॉपिंग मतलब ये वो प्रोसेस होता है जिसमें चुपके से दो लोगों की बातें सुन लेना, है ना। चुपके चुपके कोई अगर कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपस में लेन देन कर रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन को सुन लेना। अब इस प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज की जाती हैं, राइट। जैसे दो पर्सन है, वो आपस में बातें कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं, तो कोई थर्ड पर्सन है जो चुपके से उनकी सारी बातें सुन रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है इस सोशल इंजीनियरिंग अटैक को लेकर। उसके बाद है फिजिकल इवर्स ड्रॉपिंग, है ना, मतलब कि किसी की बातें सुन लेना, और उसी के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद है वाटर टैपिंग। ये देखो, इवर्स ड्रॉपिंग का ही एक तरीके का पार्ट है, वाटर टैप, सॉरी, वायर टैपिंग। सो वायर टैपिंग होता क्या एग्जैक्टली, जैसे बहुत पहले अगर देखो तो लैंडलाइन फोन वगैरह जो होते थे उसमें क्या होता था कि जो डिमार्केशन पॉइंट होता था, यानी कि जो बॉक्स होता था जहां से आपके घर तक टेलीफोन लाइन का कनेक्शन आता था और आपके घर पे टेलीफोन लाइन लगी रहती थी, तो वायर को यहाँ से कट करके जो दो वायर यहाँ से गए होते हैं उसमें अपना टेलीफोन वगैरह ऐड करके लोग या अनदर कोई हैकर अटैकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सुन लेता था या लोगों की बातें सुन लेता था। या ऐसे बहुत सारे अटैक हैं जहां से केबल वगैरह को कट करके बीच में, यानी वायर को कट करके बीच से उनके इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, हैक कर लिया जाता है, राइट। ये सारी चीजें फिशिंग के बारे में है, जैसे कि कभी कभी सेम वेबसाइट जैसा कोई दूसरी वेबसाइट बनाकर हैकर अटैकर आपकी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। प्री टेक्सटिंग, इसमें कभी कभी हैकर अटैकर बैंक रिप्रेजेंटेटिव बनकर, है ना, आपके कार्ड ऑफर को लेकर, आपका फ्री अप्रूवल लोन को लेकर, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड ऐसे अनऑथराइज एक्सेस कर लेता है और आपकी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वहां से हैक कर लेता है। बेटिंग बेस पर होता है ये, समझ लो एक तरीके का कि इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव या मालवेयर इन्फेक्टेड फाइल्स वगैरह इन्वॉल्व कर लिया जाता है सिस्टम में और फिर आपकी इंफॉर्मेशन को फाइंड कर लिया जाता है। ये कुछ सोशल इंजीनियरिंग के ऑप्शंस हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर देखा जाए टेलीगेटिंग प्रोसेस है। पिगी बैकिंग भी इसको बोला जाता है, ऑलरेडी आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लाइक व्हाट इज पिगी बैकिंग। अगर पिगी बैकिंग का नाम नहीं सुना तो टेलीगेटिंग टॉपिक थोड़ा सा विकिपीडिया और सर्च कर लेंगे, बहुत ही अच्छा मतलब ये टॉपिक है सोशल इंजीनियरिंग को लेकर। इसमें समझा क्या जाता है या होता क्या है हैकर अटैकर द्वारा, ये पिगी बैकिंग क्या होता है कि बिहाइंड एन ऑथोराइज इंडिविजुअल, किसी मतलब किसी ऑथोराइज इंडिविजुअल के पीछे से अपने आइडेंटिटी को वेरीफाई करा लेना, राइट। जैसे कि प्रॉपर तरीके से ये बोल देना कि हाँ, जैसे मान लिया कि कोई एक्सेस पर्सन है एक्स वाई जेड कंपनी के लिए एलिजिबल है और वहां पे कोई सिक्योरिटी कैमरा लगा या सिक्योरिटी अप्लायंसेस लगा है, वो तो उसको एक्सेस अलाउ करता ही करता है, बट पीछे से वो भी उसके साथ इंटर कर लेता है ना,
तो एक इस तरीके का जो प्रॉब्लम होता है, ये हमारे एक डेलीगेटिंग प्रोसेस में आ जाता है, राइट। साफ मेंशन है कि ऑथोराइज इंडिविजुअल इनटू सिक्योर्ड एरिया, है ना, पर्टिकुलर सिक्योर्ड एरिया के लिए अगर कोई ऑथोराइज इंडिविजुअल है विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन टेकिंग एडवांटेज ऑफ एक्सेस टू गेन एंट्री टू रिस्ट्रिक्ट एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वो पर्सन एंट्री कर लेता है जिसको अलाउ नहीं किया गया है कि तुम इधर आ सकते हो या ऐसे लोग इधर आ सकते हैं, बट किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की आइडेंटिटी के बिहाफ पे वो एंटर कर जाता है। इम्पर्सोनेशन, यहाँ पे देखा जाए इम्पर्सोनेशन भी एक बहुत बड़ा अटैक है आज के समय पर, जिसमें आप देखते हो कि कोई भी पर्सन वाया फोन, ऑनलाइन आपके कस्टमर केयर बनकर या आपका कोई भी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बनकर अथॉरिटी बोलकर इंफॉर्मेशन को हैक कर लेता है। रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है कि ये देखो एक कन्वेंसिंग इंडिविजुअल का प्रोसेस है। अब किसी को कन्वेंस कर लेना, है ना, किस लिए, मान लिया कि यहाँ पे बोला किसी पर्सन ने कि काफी भी, मान लिया कुछ लोगों का ग्रुप है और अचानक कोई आकर, ये सेम टॉपिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मान लिया कि कोई ग्रुप है जहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं या कुछ लोग स्पोर्ट गेम खेल रहे हैं कुछ भी ऐसे, और अचानक वहां पे कोई आकर बोलता है कि किसी ने आपको सिक्योरिटी थ्रेट मतलब अटैक होने वाला है कोई भी तरीके का ऐसा है, तो फिर वहां पे क्या हो जाता है, लोग इधर उधर होने लगते हैं और उसी चीज का फायदा उठाकर कि हाँ अगर बचना है तो ऐसा ऐसा करो सभी लोग, या इधर से निकलो वैसे करो, तो उसी सिक्योरिटी थ्रेट का एग्जाम्पल मतलब उसी सिक्योरिटी थ्रेट का फायदा उठाकर वो क्या कर लेता है, लोगों की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फाइंड कर लेता है और फिर वो हैक कर लेता है उनकी इंफॉर्मेशन को और वो उनको नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं सारे, ये सोशल इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हो, जैसे कभी कभी क्या होता है कि चैट मैसेंजर वगैरह में कोई एक्स वाई जेड पर्सन को, मान लिया कोई फीमेल का मैसेज आ जाता है या कोई फीमेल है उसके पास मेल का मैसेज चला जाता है ना, और फिर मैसेजिंग वगैरह होती है, फिर उस बेस पर लोगों की इन्फॉर्मेशन को हैक कर लिया जाता है कुछ दिनों तक बात करके, ट्रस्ट वगैरह क्रिएट करके, फिर आगे अगर कुछ दिनों तक बात करें कुछ ऐसी बातें कुछ ऐसे इवेंट वगैरह बताएं, तो जो हमारे चैट रूम होते हैं, वीडियो चैट रूम होता है, एडल्ट चैट रूम होता है, कभी कभी लोग ऐसे प्लेसेस में जाकर या ऐसे वेबसाइट में जाकर फंस जाते हैं और फिर वहां पे उनको ब्लैकमेल किया जाता है, ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। और भी आप बोल सकते हो कि जैसे कभी किसी के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में, लाइक उसने कभी कोई फोटो, कभी ऐसे बहुत बहुत सारे मेरे साथ रहने वाले या बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल में एक दो लोगों का ऐसा केस मुझे देखने को मिला है, या मेरे स्टूडेंट सर्कल में कभी कभी कुछ ऐसा जो अभी मतलब एक बचपना रहता है, फिर कुछ छोटी मोटी गलतियां होती हैं या पोस्ट वगैरह वो लोग फोटोज वगैरह डाल देते हैं, मोबाइल में रखते हैं, गलती से उनका पोस्ट हो जाता है, तो ऐसे प्रॉब्लम में भी वहां पे ये हो जाता है कि भाई उनके फोटोज को कोई हम बोलता है कि नहीं ये हम तुम्हारे घर पे दिखा देंगे, फिर ये है वो है, ऐसे केसेस भी आए हैं। तो इन सब केसेस को लेकर ये सारे अटैक परफॉर्म किए जाते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है ना। कभी कभी आप गूगल वगैरह पे सर्च करते हो कि मुझे तो एक्स वाई जेड कंपनी का कस्टमर केयर नंबर चाहिए, मुझे अपना प्रोडक्ट रिफंड करवाना है, फिर जब आप गूगल पे जाते हो और कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन वहां पे क्या होता है, मतलब आपके सामने जो पेज आता है, जो इंफॉर्मेशन, जो कॉन्टेक्ट नंबर होता है वो किसी हैकर का होता है ना, जिसने उस वेब पेज को या उस कस्टमर केयर नंबर के नाम से उसको पब्लिश कर रखा है, तो फिर हम उस पे कॉल करते हैं और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली हमारा डेटा हैक हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसे पर्सन जो हमारे सिस्टम को या हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं, कभी हम जब मान लिया अपनी डिवाइस या अपनी कोई चीज किसी को एक्सेस करने के लिए दे दे, किसी को यूज करने के लिए दे दे, बट वो उसको ना यूज करके कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कहीं पे बाईपास कर ले, है ना, ईमेल वगैरह के ऊपर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बाईपास करा लिया जाता है, चैट वगैरह सेंड करके, कोई एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे ऐड करके, ये सारी चीजें होती हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग में हजारों तरीके हैं। कभी कभी आपने देखा होगा रिचार्ज, है ना, हमारे जो बिजनेस व्हाट्सएप, जो यहाँ पे आप ये नंबर देख रहे हो जिसपे आप लोग सीसीएनए सर्वर की क्लासेस के लिए कॉन्टेक्ट करते हो, तो इस नंबर पे मैक्सिमम देखा जाए कि हर वीक में दो चार छह मैसेजेज ऐसे होते हैं या मोर देन दिस 10 12 15 मैसेजेज ऐसे आ जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये कंपनी का ऑफर है, ये रिचार्ज ऑफर है,
जो इंक्वायरी करने वाले होते हैं वही इधर उधर के एप्लीकेशन लिंक सेंड कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि जिनका काम, जिनका इंटरेस्ट होता है कोर ज्वाइन करना नहीं। कभी कभी आउटसाइड से कुछ ऐसे होते हैं जो हैकर अटैकर लाइक अनदर अनदर कंट्रीज से वो लोग वहां पे मैसेज करते हैं कि भाई एक काम करो, ये हमारा सोशल इंजीनियरिंग ऐप है, इसको प्रमोट कर दो, हम इतने पैसे देंगे, है ना, इस एप्लीकेशन को चेक करना है तो इस पे जाकर ये देख लो। ये सब एक पार्ट है, ये सब सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आने वाला सारा पार्ट है। ऑब्वियसली इन सारी चीजों से अगर हम सेफ रख सकते हैं, अवेयरनेस रह सकते हैं, अवेयरनेस रख सकते हैं, तो ऑब्वियसली अपने कंप्यूटर सिस्टम, अपने इंफॉर्मेशन को सेफ रख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, एंड कोई भी डाउट होता है तो ऑब्वियसली कमेंट करें। इस सिक्योरिटी सीरीज को मैं काफी लंबे तक लेकर चलूंगा, तो ऑब्वियसली जितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस सीरीज में एक बार यस कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। यार इतने लोग मतलब कि जुड़े हो तो इतना तो कमेंट सेक्शन और इन सारी चीजों में कर ही सकते हो, है ना, क्योंकि ये पूरी सीरीज काफी एडवांस में लेकर जाई जा रही है। और यहाँ पे देखने वाले मान लिया 500 600, या ये मतलब कि वीडियो टाइम के अकॉर्डिंग ये टेक्निकल चीजें हैं बढ़ती रहती हैं, बट कमेंट सेक्शन देखा जाए तो 2 या 4 होते हैं। देखने वाले अगर 500 हैं, अगर 500 की जगह 50 कमेंट भी कर दें तो यूट्यूब को लगेगा कि हाँ, या लाइक कर दे तो लगेगा कि हाँ, लाइक तो ठीक है, ओके है, काफी अच्छा आता है, बट कमेंट सेक्शन जरूर आप लोग यूज करो, क्योंकि इतना जो हार्ड वर्क किया जाता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए किया जाता है। ऑब्वियसली थोड़ा सपोर्ट आप लोग भी बनाएं, हम लोग तो यहाँ पे अपना काम कर ही रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।